Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will start exercise 1.3, question number 5. Find the perimeter of a square whose साइड इज गिवन एज फॉलोइंग, मीन्स जो हमें दिया गया है, फिगर दिया गया है, उसका हमें एक साइड दिया है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पहले हम बताने कि पेरीमीटर होता क्या है। अब इसमें हमारा स्क्वायर दिया है। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी फिगर हो, ऑब्जेक्ट हो, ग्राउंड हो, किसी भी चीज़ का हमें उसका पेरीमीटर बाहर का किनारे के ऊपर जो होता है वो हमें फाइंड करना होता है, वो पेरीमीटर कहलाता है। और एरिया जो होता है वो अंदर का होता है। अब हम अगर आपको बोले स्कूल का हमने ग्राउंड देखा है, स्कूल ग्राउंड में अगर हमें बोलती हूँ आपको वॉक करना है तो आप कित जाएंगे, वन साइड जाएंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ साइड्स आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, मैं पूछूंगी आपने कितना वॉक किया, तो आप क्या बोलोगे कि चारों साइड्स को आप प्लस कर लोगे। इसी तरह से हम देखेंगे, अभी हमारा स्क्वायर है तो हम यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर मीन्स जिसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे अगर हम इसको स्क्वायर बनाए, हमारे पास दिया गया है इसका 7 सेंटीमीटर, मीन्स एक साइड अगर 7 सेंटीमीटर है नेचुरल है, दूसरी साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, तीसरी साइड भी 7 सेंटीमीटर एंड चौथी साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी। मीन्स अब हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर निकालने के लिए जो बाहर अगर हमारे यहाँ ए है, ये बी, ये सी और डी, अब हम वॉक करना स्टार्ट करें, हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हुए आगे बी तक, बी से हम आएंगे सी तक, सी से आए हम डी तक, डी से आए हम वापस ए तक। तो इस तरह से हम बाहर का जो हमने किनारी है, बाउंड्री पर हमने वॉक किया वो उसका हम प्लस कर देंगे, वो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। और जो अंदर का होता है हमको निकालना था, वो हमारा एरिया कहलाता है। अब हम इसमें लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका हमें फॉर्मूला होता है, या तो हम चारों को प्लस कर दें, हम दो मेथड से करते हैं, या तो हम प्लस कर दें वन साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मीन्स अब इसका हमारा क्या करते हैं, और अगर हम चाहें तो एक साइड लिखकर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम क्या लिखेंगे, इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला है 4 × साइड, मीन्स 1, 2, 3, 4 साइड्स आ गई हमारे, और कितना है साइड का है 7 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 4 × साइड कितना है 7, सो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम करेंगे 7 की टेबल बोलेंगे 7 × 4 = 28, सो हमारा आंसर है 28 सेंटीमीटर। अगर हमने ये इसको प्लस भी करेंगे तो भी हमारे चलेंगे, तो हम लेकिन हमारा फॉर्मूला हम ये फॉलो कर रहे हैं, सो हमें यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर बी 4 सेंटीमीटर। अब हमें स्क्वायर की एक साइड का दिया गया है 4 सेंटीमीटर, अब हम स्क्वायर ड्रॉ करें अगर हम 4 सेंटीमीटर का, यहाँ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक साइड का है 4 सेंटीमीटर और हमें चारों तरफ का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड कितनी दी गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सो हम यहाँ लिखेंगे 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 की टेबल बोलेंगे 4 times, 4 × 4 = 16, सो हमने लिखा 16 सेंटीमीटर, हमारा पेरीमीटर आया है स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हूज मेजरमेंट्स आर एज फॉलोज। अब हमारे पास रेक्टेंगल की हमारे लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, मीन्स लंबाई एंड चौड़ाई। अगर हम यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करें, रेक्टेंगल में अब हमारी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मीन्स चौड़ाई
ये हम देखेंगे जब यहाँ पर ये लेंथ हमारी रेक्टेंगल की दी है 12 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल अपोजिट साइड सेम होती है, सो ये भी हमारी लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर। अब हम आ जाएंगे इधर, जो मेरी ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो अपोजिट साइड भी हमारी सेम हो जाएगी, वो हमारी है 7 सेंटीमीटर। सो जब भी हम पेरीमीटर डिफाइन करते हैं इसके लिए वी विल फॉलो द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज है, वी विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, प्लस ब्रेथ, बी आर ई ए डी टी एच, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 और ब्रैकेट के बाद हम हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। लेंथ हमारी है 12 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ हमारी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 12 प्लस 7, हम 12 में 7 को प्लस कर देंगे, लेंथ और ब्रेथ को 12 में 7 प्लस किया तो हमारा आया 19 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 19, अब हम 19 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे 2 9 जा 8, 1 किया कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 38 हमारा आंसर आया 38 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर, इसके बाहर का जो चारों तरफ का बाउंड्री का पेरीमीटर आया हमारा 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर बी इज लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 14 सेंटीमीटर। अब हमारा रेक्टेंगल का दिया गया लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दी गई है, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। लेंथ है हमारी 25 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ हम लिखेंगे, और ब्रेथ 14 सेंटीमीटर, ये भी हमारी लेंथ है, आमने सामने की लाइन सेम जाती है, और इधर ये भी 14 सेंटीमीटर, मींस ये वन लाइन एंड टू लाइन, ये लेंथ सेम हो जाएगी और जो ब्रेथ है वो सेम जाएगी 14 सेंटीमीटर की। अब हम इसका पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे देन ब्रैकेट बना देंगे, लेंथ कितनी हमारी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 14 सेंटीमीटर। अब हम प्लस करेंगे, पहले 2 ब्रैकेट 25 में हम 14 को प्लस किया हमने, 5 प्लस 4 इक्वल्स 9, 2 प्लस 1 3 मीन्स 39 सेंटीमीटर हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, जो हमारा 39 सेंटीमीटर आया है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों साइड का ये हमें एक साइड का मिला है, हमें 2 साइड्स का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 39 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 जार 18 का 1 वन किया हमने कैरी, 2 3 जार 6 एंड 1 7 नंबर आया 78 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हमें देखना है, अगर सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर लिखना है, तो रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर आया है 78 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर, मींस जो हमें दिया गया है मेजरमेंट वो एक ट्रायंगल का दिया गया है, उसकी हमें साइड्स दी गई हैं, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। नेम दे देंगे ए बी एंड सी, हम देखेंगे 14 सेंटीमीटर ए बी 14 सेंटीमीटर है, एंड 12 सेंटीमीटर बी सी, एंड 18 सेंटीमीटर सी ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पेरीमीटर निकालने के लिए लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB प्लस BC प्लस CA। हम क्या करेंगे इसमें AB, AB कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर प्लस BC 12 सेंटीमीटर प्लस CA 18 सेंटीमीटर। हम तीनों साइड्स को जो बाउंड्री है पेरीमीटर निकालने के लिए, बाहर के चारों के किनारों को हम
ऐड कर देंगे, 14 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, 14 12 प्लस 18 हम प्लस करेंगे, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 का हमने लिखा 4 एंड 1 किया 10, 10 प्लस 1 2 3 प्लस 10 फॉरवर्ड 4, कितना आया 44 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में लिखेंगे पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी इज 25 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। ये हमें ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं, इसका हमें पेरिमीटर फाइंड करना है। सो इसके लिए हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। You have to use your scale or ruler. नाम लेंगे हम A, B, C. A B 25 सेंटीमीटर, B C 32 सेंटीमीटर एंड C A 41 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको बाउंड्री जो पेरिमीटर होता है वो हमारा बाहर का किनारा निकालना होता है, कितना हमने वॉक किया है, कितना उसका पेरिमीटर, इसका पेरिमीटर निकालने के लिए हम लिखेंगे पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम प्लस करेंगे, ए बी लिखेंगे 25 सेंटीमीटर प्लस बी सी 32 सेंटीमीटर प्लस सी ए 41 सेंटीमीटर। हम प्लस करेंगे 25, 32 एंड 41, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, सो वी विल राइट हियर 8, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, सो नंबर विल बिकम 98। द पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 98 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट आंसर पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज